अब खबर लखनऊ से ही। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला। पहले दिन नमाज पढ़ने वाले 10 लोगों में से 4 को पुलिस ने पकड़ लिया है। चारों से पूछताछ चल रही है। 3 लखनऊ, 1 सीतापुर का रहने वाला बताया गया है। चारों को उनके आवास से पकड़ लिया गया है। तो फिलहाल चारों से ही पूछताछ चल रही है, ये वही शख्स है या नहीं, इसको लेकर भी जांच पूरी तरीके से पुख्ता की जा रही है। हालांकि 4 लोग हैं और ये जानकारी मिल रही है ये लोग छिपे बैठे थे, फिलहाल इनको पकड़ लिया गया है। बाकी अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। लुलु मॉल में नमाज पर सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मॉल को सियासत का अड्डा ना बनाए, अराजकता पैदा करने की कोशिश हो रही है, पैदा करने की कोशिश, सांप्रदायिक तनाव बिल्कुल भी ना की जाए, सड़कों पर पूजा या कोई धार्मिक कार्य ना हो, माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटे प्रशासन, मामले को गंभीरता से ले प्रशासन। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पूजा ना हो, अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमाज विवाद पर सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए, सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें।